नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों की मेजबानी करेंगे। यहां दोनों नेता कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही गंगा में नौका विहार भी करेंगे। दोनों नेताओं के भव्य स्वागत के लिए काशी तैयार है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलारी क्लिंटन सोमवार सुबह रात करीब 2:30 बजे विशेष विमान से इंदौर पहुंची। हिलारी 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। यहां कुछ देर विश्राम के बाद हिलारी महेश्वर स्थित अहिल्या फोर्ट पहुंची। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के बाद सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ सोमवार सुबह हुई है। इसमें सुरक्षा बलों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 30,000 किसान अपने खेतों को छोड़कर सड़कों पर है। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर नासिक से चला किसानों का यह रैला आजाद मैदान में जमा है। यहां से ये किसान विधानसभा घेरने के लिए निकलेंगे। संयुक्त अरब अमीरात से इस्तांबुल जा रहा तुर्की का एक निजी विमान ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि उसमें 11 लोग सवार थे। चीन में एक दलीय राजनीति में सबसे बड़े बदलाव के तहत रबर स्टाम्प संसद ने ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2 बार के कार्यकाल की अनिवार्यता खत्म हो गई और अब वह आजीवन सत्ता में बने रह सकते हैं। चीन के साथ लगती पूर्वी और पाकिस्तान के साथ सटी देश की पश्चिमी सीमा पर भारत अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि सैनिकों, टैंकों, आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल्स जैसे साजो सामान को जल्द पहुंचाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत निवेशकों के लिए अच्छी रही। सेंसेक्स खुलते ही 260 अंकों की ऊंचाई पर पहुंच गया। फिलहाल सेंसेक्स 33,554 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 75 अंक चढ़कर 10,301 पर खुला। निदास ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेले गए अपने पहले मैच में श्रीलंका से मिली हार का बदला लेने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। दोनों टीमें एक बार फिर सोमवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी और इस बार भारतीय टीम मैच की बाजी अपने पाले में करने की हर कोशिश करेगी। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की याद में रविवार को चेन्नई में उनके घर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उनके फैमिली मेंबर समेत कई सितारे पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।